भवानी मंडी में इन दिनों शहर की बेशकीमती जमीनों को ठिकाने लगाने का खेल जमकर परवान पर है। जनहित की जमीनों को अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से ठिकाने लगाया जा रहा है, या यूं कहें कि जमीनों के इस खेल में भूमाफियाओं के साथ नेतागिरी भी अपने हाथ पीले करने में लगी है, और जिसमें शासन प्रशासन के नुमाइंदे भी अपना अलग किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। पार्षदों की आपत्ति के बाद भी इन जमीनों का ठिकाने लग जाना ये दर्शाता है कि या तो जो जनप्रतिनिधि पूर्व में मामले का विरोध कर रहे थे वो सिर्फ ढोंग कर रहे थे, क्योंकि लिखित आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी मामले में अब कोई चूं करने को तैयार नहीं। कुछ गिने चुने पार्षद जरूर कहीं किसी मीटिंग में अपना विरोध जताते हैं तो उनको भी निजी मामले से जोड़कर बहाल कर दिया जाता है, या फिर जनहित के मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा मात्र समझ अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं स्थानीय जनप्रतिनिधि। आपत्ति जताने वाले पार्षदों को यह तस्वीर मुंह चिढ़ा रही है कि लाज चिल्लाने और विरोध करने के बाद भी भूमाफियों व चाटुकार अधिकारियों व मिले जुले नेताओं के सामने उनकी एक न चल सकी और भवानी मंडी को जिला बनाने की मुहिम जारी है। भवानी मंडी की लगातार जो बेशकीमती जमीनें हैं वो बिकती जा रही है। जयप्रिया मिल जो भवानी मंडी का कहीं ना कहीं हृदय स्थल कही जाने वाली जो बेशकीमती जमीन है वो भी ठिकाने लग चुकी है, और अब लगातार जो है खाली पड़ी जो जमीनें हैं उन पर भूमाफिया जो है शिकंजा कसते जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार जो है नींद में सोए हुए हैं या फिर कोई भी इस ओर बोलने के लिए तैयार नहीं है। लगातार भूमाफिया जो है बेशकीमती जमीनों को ठिकाने लगा रहे हैं। आज जो जमीन है उसको क्षेत्र विधा का मामला आपने देखा होगा, लगातार शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे पीछे ट्रैक्टर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ट्रैक्टर और ये मिट्टी डाल करके जो है इनको पूरी कॉलोनी का रूप दिया जा रहा है, कॉलोनी को अस्तित्व में लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें जिम्मेदार कुछ कर पाते हैं। आप जिस तरह से पूरी की पूरी जो जमीन जो है ये देख रहे हैं कि ये पूरी स्टेशन से सटी हुई जमीन है। कहा जाता है कि एक टाइम पर जो रियासतकालीन टाइम में जो है दरबार द्वारा इस जमीन को दिया गया था, और जिस उद्देश्य से दिया गया था उस उद्देश्य को पूरा करने की बजाय मोटी रकम कमाने के उद्देश्य से जिम्मेदार और भूमाफियों के मिलीभगत से इस जमीन को ठिकाने लगाया जा रहा है, शहरवासियों का भविष्य खतरे में डाला जा रहा है। लेकिन अगर एक पार्षद जो है इस पर आवाज उठाता है, रूलिंग पार्टी के पार्षद इस पर आवाज उठा रहे हैं, विपक्ष के पार्षद इस पर आवाज उठा रहे हैं, वही जो है नगर कांग्रेस के लेटर हेड पर भी पार्षदों द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज करवाई गई है, लेकिन कलेक्टर से लेकर नगर पालिका चेयरमैन कहे या जिम्मेदार जितने भी अधिकारी है वो आखिर क्यों चुप है? इनकी चुप्पी कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े करती है। भवानी मंडी से आजकल मीडिया के लिए कपिल चौहान। झालावाड़ NH 52 पर अकलेरा टोल प्लाजा के समीप एक युवक रोडवेज बस से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस अखिलेश अस्पताल लाया गया, लेकिन युवक की हालत गंभीर होने के कारण उसे अकलेरा से झालावाड़ SRH अस्पताल रेफर किया। झालावाड़ अस्पताल में युवक की हालत गंभीर बनी है, उसका उपचार जारी है। अकलेरा थाने के SI प्रेम बिहारी नागर ने बताया कि अस्तावर का रहने वाला जय चौधरी पुत्र राधेश्याम चौधरी रोडवेज बस से अकलेरा से अस्तावर जा रहा था। जय चौधरी बस की फाटक पर खड़ा था, टोल प्लाजा के समीप जय चौधरी चलती बस की फाटक से नीचे गिर गया। उसके दोनों पैरों वे बस के पिछले टायर के नीचे आ गए। अकलेरा अस्पताल में जय चौधरी का मेडिकल करवाया गया, आगे की कार्रवाई जारी है। उधर जय चौधरी के परिजनों का कहना है कि जय अपने एक मित्र के साथ अस्नावर से भोपाल के लिए गया था, लेकिन जब मित्र ने 4-5 दिनों बाद भोपाल से वापस लौटने की बात कही तो उसने 4-5 दिन भोपाल रुकने से इनकार कर दिया और अकलेरा वापस लौट रहा था। झालावाड़ से इसके मीडिया के लिए फरोज पठान। पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया के द्वारा शिवनारायण पूनमचंद फार्म के गोविंद मेढ़तवाल के सहयोग से हर साल की तरह इस साल भी बेजुबान पक्षियों के लिए 2 दर्जन परिंडे कृषि उपज मंडी में बांधे। संस्थापक फूलचंद वर्मा व मुकेश मेघवाल, अरविंद वर्मा, प्रहलाद चौहान आदि मौजूद रहे। प्रतिदिन परिंडे में पानी डालने का संकल्प लिया, वहीं हेमल एसोसिएशन के सदस्यों ने भी भाग लिया। ट्रस्ट संस्थापक फूलचंद वर्मा ने कहा कि पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया के द्वारा भवानी मंडी क्षेत्र के अनेक गांव में लगातार 15 वर्षों से बेजुबान पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जाते हैं और इनकी देखभाल व पानी की व्यवस्था का संकल्प स्थानीय ग्रामवासियों व नजदीकी दुकानदारों को दिया जाता है। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए रिजवान शेख। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। योजना अंतर्गत पात्रता मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।
योजना अंतर्गत अपात्रता। योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकायों में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त करता हो, जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि ₹1,000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो, जिसके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित, मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक, सदस्य हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर हो, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर सहित हो, यह सभी महिलाएं योजना के अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में आएगी। पोर्टल पर आवेदन दर्ज किए जाने हेतु अनिवार्यता। समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी। समग्र सदस्य आईडी का ईकेवाईसी सत्यापन। समग्र आईडी में आयु कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। समग्र आईडी में लिंग महिला हो। समग्र आईडी में महिला की विवाहिक स्थिति, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता हो। अंतिम सूची के बाद भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता। महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए। महिला के बैंक खाते में आधार जुड़ा लिंक होना चाहिए। महिला के बैंक खाते में DBT सक्रिय हो। यही सभी होने पर अंतिम सूची पश्चात भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता होगी। और अब आइए प्रक्रिया को समझ लेते हैं 6 चरणों में। पहले चरण में ऑफलाइन फॉर्म, आवेदका की समस्त जानकारी प्रिंटेड फॉर्म में दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरे क्रम में प्रिंटेड फॉर्म अनुसार पोर्टल में समग्र आईडी के आधार पर जानकारी दर्ज करवाना। अंतिम सूची में प्रथम अंतिम सूची जारी की जाना। आपत्ति प्रबंधन में ऑनलाइन एवं अन्य माध्यम से दर्ज आपत्तियों का समिति द्वारा निरीक्षण व निराकरण। 5वें चरण में अंतिम सूची में आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी किया जाना व स्वीकृति पत्र जारी किया जाना। और अंतिम व 6वें क्रम में मासिक भुगतान में समस्त पंजीकृत हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि का भुगतान किया जाना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की समस्त जागरूकता हेतु प्रसारित की गई जानकारी को देखने व सुनने के लिए धन्यवाद। नगर परिषद भैसोदा द्वारा जनहित में जारी। कई बार व्यक्ति तनाव में कीटनाशक दवाई सल्फास जहर को खा लेता है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। उस जहर खाए हुए व्यक्ति को बचाने के लिए हमें तुरंत अपनी हाथों की दोनों उंगली को मुंह में डालकर उल्टी करवानी चाहिए, जिससे जहर का कटु भाग उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाता है और मरीज के बचने की संभावना बढ़ सकती है। जितना जल्दी हो सके हमें मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर के द्वारा जल्द से जल्द